दोनों इंडिविजुअली बात करते हैं स्कूल में स्कूल फेलोज और बचपन से को जानते थे लेकिन ऑलमोस्ट बचपन से तो नहीं लेकिन चलो उसके थोड़ी देर बाद फिर उसके बाद एक लंबी जुदाई हुई गुँ. फिर उसके बाद दोबारा से मिल गए गुँ. तो ये क्या स्टोरी है कौन सुनाएगा सच्ची वाली मुझे लगता है फहद सच ज्यादा बोले नहीं सरवत ही बोलेगी सच सुनाएगी देखिए जब ऊपर वाला कहानी लिखता है तो उससे बेहतर राइटर कौन हो सकता है बिल्कुल सही है, है ना? सही। और जब डायरेक्शन इनकी अम्मी दे तो उससे बेहतर डायरेक्टर कौन हो सकता <laughs> अच्छा? ये क्या so, है इसका, इसका so, so, so मेरी अम्मी जो थी ना वो आ, दूर करने वाली भी अम्मी थी और मिलाने वाली भी अम्मी थी वाह वा, क्या कहानी है ना हमारी आंटी का तो बड़ा इसका मतलब बड़ा रोल है मेजर रोल है बिल्कुल She's the main lead in the whole yes. story. Yes, Auntie is the agonist and the protagonist. <laughs> and the protagonist. So, what <laughs> happened first? Durr, why did you do it? Durr, actually, because I think uswarth, uh, we were studying. Okay, I was at Indus Valley, and Fahad was. But uh, did you like each other then, yes, or did you, would you like love each we other? Yes, absolutely. First love, first love, first love, first love. आयाद? वो था हमारा ये मुझे नहीं मालूम तो पहला प्यार था और फिर वो पहला प्यार कितनी देर, रह देर रहा तीन चार साल तीन चार तीन साल तीन साल साल तीन साल अच्छा तीन साल तीन साल रहा और फिर उसके बाद जुदाई हो गई दोनों के बीच करियर एंड यू मिलाप कैसे हुआ मिलाप का फाह बताएंगे आप सो मेरी अम्मी जो थी ना एक दफा जब हम दूर हो गए ना तो मेरी अम्मी को एक गम खाने लगा एंड उसके बाद वो कहने लगी कि बस मुझे अपनी मुझे इसको ठीक करना है इसको ठीक करना है इसको ठीक करना है फिर सात साल बाद फाइनली अम्मी की एक दिन एग्जीबिशन थी सेवन ईयर सेवन ईयर्स लेटर अम्मी की एक दिन एग्जीबिशन एक थी और अम्मी ने बोला कि तुम मेरी एग्जीबिशन में आ जाओ आई वॉज लाइक कि मैं क्यों आपकी एग्जीबिशन में आ जाओ कपड़ों से मेरा क्या लेना देना है कि नहीं तो मेरे बेटे तुम्हें आना पड़ेगा तस्वीरें खींचेंगी लोग देखेंगे तुम आओगे मेरे लिए तुम्हें आना पड़ेगा ऐसा चलें ओके फाइन कम

कई हम तो है। बता इतना नहीं पा रहे जितना हम तो इतना था। फिल्मी नहीं कर रहे जितनी फिल्मी तो सरब इस कहानी लिखी जा सकती है मैं वैसे एक ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो तकरीबन फोर्टीर यू नो बचपन स्कूल में फिर जब उनकी कहीं शादी हो गई और बड़े हो गए और बच्चे भी बड़े हो गए और फिर किसी वजह से वो शादी आगे so so wow. you know, you know, जब कुछ लिखा होता है ना आपके रहता है वो ना उससे पहले आपको मिलता है ना उसके बाद आपको मिलता है वो उसी वक्त मिलता है जब वो लिखा हुआ बिल्कुल सही है इसके लिए अरेबिक वर्ड है मकतूब इट वॉज रिटन हाँ, ah, it was written of course acha ek cheez phir jab mil gaye seven years ke baad mil gaye to how how it changed did thy change did you imagine a different life with him did you imagine a different life with her you know i'll tell you jab hamari mulakat hui we sat in a cafeteria and we uh, thought hum aise coffee pe mil rahe hain chalo baat cheet karenge हम आई थिंक कोई सात आठ नौ घंटे वहाँ बैठे रहे और हमारी बातें नहीं खत्म हुई और ऐसे नहीं, नहीं, तो, नहीं लगा सारी नहीं एक्चुअली ऐसे नहीं लगा ऐसा कि हम कभी बिछड़े थे बिकॉज वी पिक फ्रॉम दैट आई थिंक हर अच्छे फ्रेंड्स की भी यही होती, यही होती है आई थिंक कनेक्शन जब होता है ना तो ऐसे ही होता होता है है। जैसे आप cousins के साथ भी फनी थिंग like yeah. उसकी फैमिली कह रही थी कि तुम सरवत की तरफ बढ़ो कहने लगा नहीं नहीं अभी नहीं अभी वी आर वेरी डिफरेंट मेरी फैमिली को भी जब पता चला तो उन्होंने भी यही कहा कि यू नो लाइक और कोई बात Something पक्की कर लो है. मैंने कहा इतने साल गुजर गए सात साल गुजर गए आई डोंट नो हाउ ही और नॉट बट वही हुआ जो होना था क्या बात, है, क्या बात? <laughs> अच्छा अब दोनों माशा हैप्पी कपल और एक दूसरे की कितनी इनपुट है एक दूसरे की खुशी में जिंदगी में सक्सेस में Like Sarvat has done such great work. टीवी uh, जब बहुत ज़्यादा कर रही थी तब भी वेब सीरीज़ भी करती है और अच्छा काम करती है ही इज़ डूइंग सो वेल इन ही इज़ बीन डूइंग मॉडलिंग वर्किंग एक्टिंग भी अब तो एक्टिंग से ज़्यादा क्योंकि ज़ाहिर है वो पैसे कहीं और छाप रहा है सर्जरी <laughs> में तो क्यों एक्टिंग को मुँह लगाएगा वो <laughs> वो कर ही <नहीं> रहा <laughs> अब सर्जरी में भी माशाल्लाह ही इज़ मेड अ गुड नेम एन इज़ डूइंग सो वेल इन फैक्ट्स आई वॉज टेलिंग हिम समबडी वज कॉलिंग फ्राम अब्रॉड टू डेज बैक एन दॉक्ट अबाउट फाद इन दैट के वो तो बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा अच्छा mm -hmm. उसका काम है सो so, ये दोनों की सक्सेस में एक दूसरे का हाथ है बहुत ज़्यादा आई थिंक मैंने फहद से सीखा है कि अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है और कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना एलिवेट करता है आपको एज एन इंडिविजुअल आपका शौहर आके कह रहा है यू लुक ब्यूटिफुल यू डिड सो वेल आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू दैट टॉट मी हाउ टू अप्रीशियट हिम बैक एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एवरी डे एसन में जो इनके टेस्टमोनियल्स जो इनके uh, सारे पेशेंट्स देते हैं

So यार अभी तक तो जरूरत ही सरवत लेकिन जाहिर है जब हमें कभी वैसे मशवरा लेने तो आ ही जाएंगे कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो अभी अच्छा को पचास एक साल बाद <laughs> यार हाँ। किसने देखे अब एक लम्हे का नहीं मैं पता अच्छा एनीवे अब फाद ये बताया यार कि सरवत का काम और दिन में बहुत काम करने जाना आउटडोर्स करना भी मैंने शरवत ने काम किया लाहौर में सर्दी mm. में बहुत ख्वार हुआ लेकिन mm. बड़ा मजे का काम वो जब आएगा तो सब लोग देखेंगे और इट वॉज फ्रीजिंग आई रिमेम्बर एंड शीज सच ए हार्ड वर्किंग मैं कहूँगा मैं मैं इस फील्ड की लड़कियों को ना बड़ा सर... यानी हम लोग खड़े नहीं हो पाते यार ये लड़कियाँ इन इसने क्या स्लीवलेस सा कुछ पहना हुआ है mm. और ऊपर एक शौ मैंने कहा यार ये कौन है जंगजू किस्म की देखने में ही इतनी सी है सो हाउ इज बहुत ही क्लीन काम करता है अननेसरी फालतू चीज़ें नहीं है आई तो आई। इसका जो सिस्टम है ना इसने इतना अच्छा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि सिस्टम चलता है इसकी हर वक्त मौजूदगी की जरूरत नहीं है बच्चों के स्कूल का टाइम फिक्सड है स्नैक का टाइम फिक्सड है प्ले डेट का टाइम फिक्स है छत पर जाने का टाइम फिक्स है शावर का टाइम फिक्स्ड है तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है सो so अगर तो मुझे लिटरली जब ये ट्रैवल करती है मुझे कुछ नहीं करना होता है